स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। SBI कैशियर नदी में डूबा, 3 माह पहले हुई थी शादी। कार्तिक माह के आखिरी सोमवार को नहाने के दौरान हादसा, पुलिस कर रही तलाश। छत्तीसगढ़ के कोंटा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर तिरुपति राव शबरी नदी में नहाने के दौरान डूब गए। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से खोजबीन कर रही है। अब तक तिरुपति राव का पता नहीं चल पाया है। कार्तिक मास के आखिरी सोमवार को शबरी नदी में नहाने गए तिरुपति राव को नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाया और वो पानी में डूब गए। दूर खड़े दो युवकों ने इस घटना को देख लोगों को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने नदी में नाव के सहारे कैशियर की खोज कर रहे हैं। शबरी नदी में हर साल कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती है, खासकर बाहरी व्यक्ति जिन्हें शबरी नदी की गहराई की जानकारी नहीं होती। जांच में बात पता चली है कि तिरुपति कार्तिक माह में हर सोमवार को शबरी नदी में सुबह नहाने आते थे। आखिरी कार्तिक सोमवार सुबह भी नहाने के दौरान वे नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस सर्चिंग कर रही है। SBI में पोस्टेड तिरुपति राव आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के बोबिली गाँव से है। कोंटा में उनकी पोस्टिंग लगभग 2 वर्ष हो गए थे। अगस्त महीने में ही उनका विवाह हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि तिरुपति भले ही असिस्टेंट मैनेजर स्तर के अधिकारी थे, पर उनका व्यवहार हर व्यक्ति से सरल और मिलनसार था। बैंक में सभी कर्मचारियों से भी उनकी अच्छी बनती थी। उनका व्यवहार बैंक में आने वाले लोगों को आकर्षित करता था। यही वजह है कि आज उनके नदी में डूबने की खबर से युवाओं और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।